बोलो ना बेटा, पहले खड़ा ले आओ। हाँ जल्दी ले आओ, भूख लगी वापिस। लेकिन माँ, लेकिन क्या है बेटा, लेकिन क्या? इस समय भैया कहाँ है? तुम तो जानती हो जब तक भैया खाना नहीं खाते साथ में, मैं खाना नहीं खाता हूँ। वो खा के कॉलेज गए। तो खा लेना। क्या? हाँ, वो कॉलेज गया खाना खा के। भाई भैया कॉलेज चल गया और आज वो पहले निकल गए। आज बड़ा बना रहा, कहे लाओ पनवा खा ली, बड़ा ना खा। माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक भैया नहीं है। क्या? हाँ। अरे बेटा तू तो मेरे ला रहे ना, मेरा कलेजा है। कुछ भी हो खाना खा ले बेटा, पहले खाना खा ले तू। माँ मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहिए? तो जब तक भैया घर में नहीं आएगे और जब तक भैया मैया खाना नहीं खाऊंगा तब। और ये है प्रतिज्ञा मैया और मेरी अटल, ये है प्रतिज्ञा हे मैया और मेरी अटल, भैया के बिना एक पल न रह पाऊंगा, भैया के बिना। क्या क्या देखा? खाना तू पहले खा तो और मेरा लाल हो। कभी नहीं। मैंने कह दिया नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। क्यों जिद कर रहा है बेटा? माँ, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ जब तक फिर मेरे साथ खाना नहीं खाते हैं तब तक मेरी दिल को चाहिए बड़ा। और तुम कह रहे हो खा लो, जब तक भैया घर में नहीं आएंगे और साथ में नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, पागल हो गया। हाँ पागल हो गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं अंदर रख के आ। खैर ठीक है साथियों, मैं चलती हूँ, देखो इसके बाद क्या होता है। मैं देख रहा हूँ सुबह से भैया नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ढूंढता हूँ, उन्हें ढूंढूंगा। कहाँ है? हाँ मैंने सुना था कभी कभी भैया बंसी दादा के घर जाते थे, हो सकता है वहीं याद आया है। आज मैं इस वक्त बंसी दादा के घर जाता हूँ और देखता हूँ भैया वहाँ है या नहीं। ठीक है, मैं चला बंसी दादा को। चल मेरे साथ चलेगा ना तू? चलो। आज बंसी असले की सुपारी हमारे पास है। जब तक उसको मैं जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आओ मेरे साथ।
जी अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। कौन है? बंसी। कौन है? अरे खबर है बंसी आने के। काकी, जो हो बुलावत बजाए देखिए। जाओ देखो। अरे बंसी भाई से थोड़ा काम है। बताओ। काका घर पे नहीं है। काकी से पूछ के आता हूँ आप कौन साहब बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है पूछ कर आओ। क्या बताऊँगा? काकी 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 क्या? ओ कोई आया है गेट पे। कोई आया गेट पे? काका को पूछ रहा है। ठीक है बुलाओ उसको। बुलाओ। काकी ये बताओ बंसी माली कहाँ है? मतलब था अब मतलब और ज्यादा हो गया है। मैं क्या मैं? तू सोचता होगा कि मैं भूल गई। तू वही दरबार में है ना? हाँ। तू हमारे दरबार में तू मेरे पर हटा चला रहा था। और तेरी हिम्मत ऐसे भी मेरे घर में रही। तू पहचान गई ना? चले जाओ। मैं अगर आया हूं, अगर तुम्हारे घर चला ही आया हूं इतनी आसानी से कहां जाऊंगा? तो सोचने की बात है, मलिया शाला कितना बूढ़ा हो गया है, मगर मलिनिया बहुत जवान है भी है। यहां से जाओगे तुम? जाओ यहां से जाओ। बाबू क्या दस रुपया हो जाए बिस्किट बिस्किट खाए आई। मैं कहता हूँ ऐसे जाओ। दो रुपया चले जाओ। दो रुपया एक काम बा एक काम बीड़ी बा बीड़ी ठीक है पिला दूंगा जाओ। जय राम जय राम। न जा जोन कहा खो कहा। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। साथी कहिए तब जाओ। मालिक इधर आओ। और गचाता है माले ना। तुम यहां से आते हो कि मैं आवाज लगाऊं? किसको भला आवाज लगाओगी? मैं तो यहां हूं। मैं तुमसे तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा होगा दोस्तों, माली समय यहां पर नहीं है और इसकी घर पत्नी है। मैं शराम जदिशी का बदला ना ले लूं। इधर आ वाले तो बस कमीने हाथ है और चले जाओ तुम बस कमीने हाथ है। और चले जाओ तुम वरना से पे मार मारू कई जूतिया वो तिठी का नहीं आएगा। और पापी तेरा बस चले जाई है बस चले जा। करता है अबला की रक्षा और कन्हैया सदा मार से बाजी तू उसके मर जाए। We'll be right back.
मैं जानता हूँ कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, जब टेढ़ी करूंगा ना तो घी अपने आप सरहाएगी। तुम यहाँ से नहीं जाओगे? मेरा नाम ठाकुर रंगबहादुर सिंह है, अगर आज तुम्हारी इज्जत से नहीं खेला तो मेरा नाम रंगबहादुर नहीं है। हराम जादे, तेरे बहन बेटियां नहीं है क्या? बहन बेटी? हाँ बहन बेटी। जाकर जाकर तुम्हारी जोड़ी हमारी जोड़ी बहुत सुंदर है। मारे बस ये कभी नहीं हो सकता, मारोगी पता हो ना। अरे तुम जब गुस्सा करती हो मेरी जान तो गुलाब के फूल जैसे खिल जाती हो, तो बुलाओ सारे को जिसको बुलाना है आओ। Thank you.
जाता है नहीं। जशन, अगर ये शिवा थे तो तूने चोट दे दिया है। मैं जा रहा हूं, ठीक है, मगर याद रख क्या बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और जीवन भर भूलू लगी लगल यही तन में, कौन सखी मार दिया
चोट सर लग गई। अगर हमारी बेटी पूछेगी इसका जवाब मैं क्या दूंगा? चुप, यहां से चले जाओ, जाओ चले जाओ। अबे कुत्ता, कोई बात सोचने लगा तरकार की शादी। लेकिन पिताजी कैसी चिंता, मुझे बताओ। ये वो कौन सी चिंता थी बेटी? बस वही एक चिंता। क्या? कि तुम शादी के योग हो गई हो। मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, धूमधाम से करूंगा। बस ये सोच रहा था, अचानक तरकार की शादी मार दिया। बात क्या है? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? इसलिए पिताजी कि मैं अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ चुकी हूँ। क्या तुम अपने लिए लड़का ढूंढ चुकी हो? जी पिताजी। वो लड़का कौन सा है? अरे पिताजी वही मिलन। क्या मिलन? मिलन खामोश। मिलन, ये तो बेटी तूने बहुत गड़बड़ किया। सुनो मेरी बात। अरे तूने क्या कर बैठी? मैं उसके ऊपर नजर नहीं लगाया और तुमसे क्या कर लिया? सुनो, और क्या तरीके से बताना। ऐसा ही होगा। अब तेरी शादी में मिलन के साथ कैसे होगी? मजा आ रहा है।
शायद ही कोई अच्छे घराने पर करूंगा, मगर ये हरामजादी हमारे दुश्मन का बेटा दुशासन होकर कर गया। अरे वो मिलन हमारा दुश्मन ही, घबराओ नहीं हरामजादी, हम तुझको इसी जेल में सड़ा डालूंगा। बैग बच्चा Oh,
क्या करती हो मेरी भैया? अगर जाएगा किशन तो अपने बड़े भैया को साथ लेकर जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ घर पे जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन भैया अगर मैं जाऊंगा तो रानी माँ यानी कि तेरी माँ मुझे बहुत तरफा तरफा की मारेगी। किसान नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, तुम मेरे साथ चलो घर। मैं माँ से पूछता हूँ, आने तो मेरे भैया को मार दूँ। मैं कह रहा हूँ किसान चले जाए यहाँ से। मैंने कह दिया भैया, मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाए हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ भी करो भैया, अगर जाऊंगा लगता है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत जी करता है किसान लौट जा मेरे पीछे माता। Thank you.
बातचीत करो। माँ क्या बात है बेटा? माँ मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहते हो? अरे मेरे लाल, मुझे बोलो। अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया है? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, खाना की बात करते हैं। अरे बेटा मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। माँ हाँ, जब तक भैया घर में नहीं आएंगे, आज मैं पहले भैया की सौगंध खा कर देता हूँ। जब तक भैया घर में वापस नहीं आएंगे, तब तक ये मिलन, इसका खाना पीना सोना सब हराम है। अरे बेटा तू पागल बन रहा है मेरे लाल। आज से मेरे लिए सब कुछ मर गया है। अगर है तो फिर भैया मेरा भैया है, और मेरे पास आज की रात कोई नहीं आ रहा। और ये खाना ये पीना ये हमेशा हमारे लिए सब कुछ आराम है। मैं जा रहा हूँ माँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? और अम्मू है ठीक है, अब मैं चलती हूँ पहले अपने महाराज जी के पास। ये पागल हो गया है, समझ के बाहर बात कर रहा है। ठीक है साथियों, देखिए ऐसी बात क्या होगा।